गुड मॉर्निंग, व्हाट अ गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सन एकदम बिल्कुल मेरे सामने है, लाइक शाइनिंग ब्राइट ऑन माय फेस। सो गाइस, गुड मॉर्निंग वेल विशर्स। आज मेरी मॉर्निंग बहुत ही धमाकेदार हुई है, इन द सेंस मैं उठी, ठीक है, कल मेरे एक पार्सल आना था मिंत्रा से, वो आया, वो डिलीवर हो गया, बट मेरे को सुबह सुबह मैसेज आया कि योर पार्सल ऑन गाइस। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, मैं थोड़ा ऑब्सेशन में आ रही हूँ। मेरी आईज देख लो, ये देखो ऐसा लग रहा है लेंस लगाया है भाई, ये है मेरे आईज का रियल कलर। ओ वाओ, मेरी आईज ब्राउन है, सेल्फ डिस्कवरी। सॉरी मैं एकदम वो हो गई कि ओ गॉड, बहुत अच्छी लाइन आ रही है। सो यस गाइस, टॉपिक से वापस आते हुए, तो हाँ, सुबह सुबह मेरे को मैसेज आया कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ है। मैंने कहा अरे पैसे दे दिए, पार्सल भी डिलीवर हो गया, बट हाउ कम इट सेज इट्स नॉट डिलीवर्ड। सो आई गॉट रियली रियली स्कैर्ड, और जो भैया डिलीवर करना है उनका नंबर नहीं था, बट हाँ अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मैंने देखा कि वो पहले भी एक बार डिलीवर करने आ चुके हैं, तो फिर मैं पहले मैसेजेस देखे, चेक करे, और वहाँ से कहीं से भी उनका नंबर लिया, एंड देन आई कॉल्ड इन द मॉर्निंग, एंड ही वाज लाइक कि भाई सॉरी मैम, मैं बताना भूल गया, मैं ऐप से लॉग आउट हो गया था। भाई ऐसा मत किया करो यार, मतलब आई अग्री कोई भी जेन्युइन इशू हो सकता है, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म द पे। सुबह से हालत ख़राब है, मतलब बहुत फ्रॉड है, आगे से आगे मुझे लगता है ऑनलाइन में और फ्रॉड बढ़ जाएंगे। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उन लोगों को रीच आउट करने में बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन द मिड वे, तो उनको डायरेक्टली हम रीच आउट कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे छोटे छोटे उनके लिए तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बट हाँ हम लोगों के लिए माइट बी अ बिग इशू, क्योंकि सब लोग बहुत मेजरली ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आजकल, 10,000, 20,000। सो यस, डिलीवरी गाइज या बिड मैन होते हैं, किसी का भी दिमाग फिर गया, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, कोई आपका पैसा लेके भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, अभी मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग एडिट, बहुत टाइम बाद स्टूडियो रूम में बैठ के व्लॉग एडिट हो रहा है, और आज का दिन अच्छा होएगा होपफुली। जी गुड जाओ बेटा। ये सर सूट क्या है? हाँ उड़ गए। अच्छा अपना टैटू दिखाओ जो कल रात को मैंने बनाया था। वो टैटू गाइस मैंने कल दिखाओ ना यार, फालतू मत बोल। गया था टैटू बनवाने के लिए ऋषि के लिए, सो इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल, इट्स गोना कम जब मैं अभी आउट हूंगा ना, प्रॉपर दिखाऊंगा आपको। ठीक है देखो, पेन है हाथ में लेकिन। गाइस मैंने इसको हग ही नहीं की सुबह सुबह, इसने बोला हग ही करो, आई वाज लाइक नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द हग दी, शो मी द टैटू। No. You need to show. No, it's a surprise. Show it to me. It has to be a surprise for everyone. मैं जा रहा हूँ proper कपड़े में पहने, full कपड़े पहने। नहीं। दिखा दो मुझे। ऐसे दिख रहा है इसका cinematic ले रहा। Cinematic. Show. ना क्या रहा हूँ दिखाता हूँ। प्रदीप ना के मिटर जाएगा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पढ़ने ही नहीं आ रहा है, पढ़ने में आ रहे हैं, रुको तो। मेरे बाइसेप दिख रहे हैं, सो माय टैनिंग भी दिख रही है साथ में। सो निशी हैज डन दिस, निशी की मेरी दिल्ली 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 की तमन्ना, दिल्ली वाली तमन्ना, हां दिल्ली की तमन्ना थी वो, निशी ने यहां लिख छाप दी इनफैक्ट, बट अब नहा के पता है कि पहली बार नहा ही नहीं, तो बात मेरे से कुछ का ही नहीं, तो मेरी पूरी दी है, जब होती नहा हो तो कितनी बार आज मुझे नहा ही नहीं, तुम सब जगह पता है, बताए तुम्हें मेरी एक फ्रेंड का वो दिखाया, पूरी बैक में उसकी बियॉन्से की पूरी टैटू वाली शॉप है, पूरी बैक में, सो रोमांटिक। या इससे कम ब्यूटीफुल This Shut is for up. When you fight with me, na. Life goes on. Guys, my first part of the yoga ho chuka hai. Ma'am, main kaisi student hu? Bahut bade student hai. Main bhi kuch fun karke abhi. और देखिए मैम, आज मेरे नेचुरली चीक्स रेड हो गए, और इनको मोटिवेशन मिला है इसलिए आज उन्होंने बहुत किसका मोटिवेशन मिला है? मैं कह रही थी रोज शिल्पा शेट्टी के वीडियोस देखा करो, बिल्कुल रोज देखिए और आपको और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? मैंने शॉवर ले लिया है एंड अभी मेरा खाना आया है, आज मैं खा रही हूँ, लेट मी शो यू ऑल्सो, मेरे बैक में दर्द हो गया, लोअर बैक में,
पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे पता नहीं दर्द होने लग जाता है, एकदम एक्सट्रीम पेन नहीं होता बट स्लाइट पेन होता है एंड फिर वो ठीक भी हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है। तो ये है मेरा प्याज एंड शिमला मिर्च वाला पनीर, मूंग की दाल, समाचार एंड वन पत्ती चपाती, दैट्स इट। अब मैं जा रही हूँ यूटेंसिल्स लेने, किचन के कुछ यूटेंसिल्स काफी टाइम से मुझे रिप्लेस करने थे एंड वही हम लोग जा रहे हैं। एंड देखो ये मेरे पिंपल्स थोड़े कम हो गए क्योंकि मैंने फेस पे कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है पास्ट 2-3 डेज, तो खुद ही जा रहा है। ऑल्सो एक्सरसाइज से स्वेटिंग भी हो रही है, सो यस उसका भी कमाल है। हाँ छन्नी लेनी, लोहे की छन्नी, देखो ये ऐसे दो लोहे के बच्चे सामान लेके आई हूँ। ये वाली फेंक देना, ये दूसरी वाली, इसमें तो वो नहीं है केमिकल, नहीं नहीं केमिकल, ये सिलिकॉन वाला है ये। सुनील भी है और कड़ा, ये क्या है? ये तवा है रोटी वाला। अरे वाह तवा बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये कढ़ाई है, ये साइज अच्छा, ये साइज और इससे छोटी मिल रही थी, मुझे लगा कि ये वाली बेटर रहेगी। हाँ और ये नमकदानी प्लास्टिक वाली, हाँ। ये शोरूम में जाएगा। गाइज आई एम बैक, मैं आ गई हूँ यूटेंसिल्स लेके एंड काफ़ी सारे यूटेंसिल्स थे, उनको हमने सेल भी करा बहुत अच्छे रेट में, बिक गए बिल्कुल, ग्रैंडी वाली बातें कर रही हूँ बट हाँ काफ़ी अच्छे रेट में सेल हो गए और सारा काम हो गया। गाइज बालकनी के बाहर से बताए कौन सी गाली देने की आवाज़ आ रही है, MC वाली गाली, बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के कोई बंदा दे रहा है बहुत तेज से। सो गाइज आई वॉज जस्ट यू नो ट्राइंग आउट आउटफिट्स, मुझे शोरूम से बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ आई हैं, मतलब कोट सेट आए हैं एंड दो आउटफिट्स मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट्स हैं। एंड यस आप मुझे बताना कि इन दोनों में से मैं कौन सा लूँ, बिकॉज मुझे चाहिए था कोट सेट अंदर बाहर के लिए, गर्मी आ रही है, बहुत कंफर्टेबल कोट सेट्स है। सो पहला मैं दिखाती हूँ क्या आउटफिट है ये कोट सेट येलो कलर का, इस टाइप का आपने मेरे पास सूट भी देखा होगा। सो यस ये वही उसी टाइप का एंड स्पेशली द टैसल्स इसमें जो लगे हैं, ये सीशल्स वाले टैसल्स बहुत सुंदर हैं। द स्लीव्स ये थोड़ा सा यू कैन से थोड़ा अफगानी सॉरी काफ्तान कोट से है एंड इसके नीचे है प्लाजो पैंट्स, इसका मटेरियल इज वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, सुपर कम्फर्टेबल फॉर समर्स। गाइस ये दूसरा कोट सेट है एंड ये उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर है, बस मैं ये इयररिंग्स पहन लूँ आपको दिखाऊँ, मतलब बहुत सुंदर है, दिस इज द मोनो कीप। एंड इसके बाद मैं आपको अभी इसका प्राइस भी बताऊंगी कि कितना रीजनेबल है, मतलब इतना रीजनेबल कपड़े, इतने अच्छे रीजनेबल कपड़े आ रहे हैं ना गाइस, मजा आ गया। प्रतीक बहुत अच्छा कर रहे हो यार तुम, बहुत रीजनेबल है। सो यस मैंने इसको सब पैर किया, लेट मी शो यू, दिस इज ब्यूटिफुल। नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज जाके परचेज करो, दिस इज अ मस्ट बाय। सो यस इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो यहाँ एंड करती हूँ, अगला मैं आपको और भी अमेजिंग समर कलेक्शन दिखाने वाली हूँ शोरूम का, तो मजे आ जाएंगे एंड शोरूम विजिट करेंगे, काफी टाइम हो गया शोरूम भी नहीं गए हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल कीप कमिंग विद सच काइंड ऑफ वीडियोस। बाय।